मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो में हो रही है तीज की तैयारी। और इस खास अवसर पर भी बुआ जी ने सबके नाक में दम कर दिया है। जी हाँ, जब से समर के घर में बुआ जी की एंट्री हुई है, तब से बुआ जी कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा कर रही हैं। आज तो बुआ जी ने अपनी इयररिंग खोने का नाटक किया है, लेकिन हद तो तब हो गई जब बुआ जी ने बेवजह घर के नौकर लल्लन पर इल्जाम लगा दिया। दूसरा कौन गया? जैसे इस सारे इयररिंग के साथ हुआ, गिर गया आपको दिखाई, हो सकता है उसके साथ भी ऐसे ही होगा ना। मतलब ये है कि क्या पता आप पहन ही रहे हो और वो गिर ही गया हो कहीं नीचे, जैसे अभी ये गिरा और आपको दिखा रहा हो। एक काम करते हैं, मैं ढूंढती हूँ, ठीक है? लल्लन पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना जया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी तो देखिए ना, जया खुद बुआ जी की इयररिंग ढूंढने लग जाती हैं, और तो और जया के ढूंढते ही इयररिंग मिल भी जाती है। अरे टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग, इतनी देर में तो लल्लन ने झुमका भेज भी दिया होगा। मिल गया। यहाँ कहाँ था? ये आपके पल्लू मैट का वाट, इसलिए आपको ना ही गिरा हुआ दिखा और कहीं मिला भी। ये हुआ यहाँ कहाँ था? चलो शुक्र है मिल गया। अरे भाई तीज त्योहार में सोना खोना बड़ी बुरी बात होती है। हाँ अब बताओ, पहले ही मिल जाता तो इतना टाइम वेस्ट तो नहीं होता। हाँ इयररिंग मिलते ही हर कोई खुश हो जाता है। उसके बाद रमा अपनी बेटी जया को सलाह देती है कि जया तीज का व्रत नहीं रखेंगी। किसी भी बात का फैसला लेने से पहले उस बात की गहराई पर जाना जरूरी है, जैसे वो अपने हर केस के लिए करती है। बिल्कुल। खुद पर लगे इल्जाम से ललन काफी परेशान और हैरान है, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में ललन को मिलता है रमा और समर का साथ। क्यों भाभी जी? नहीं भाभी जी, वो तो अरे ललन जी आप ही ना, आप ऐसे इमोशनल अच्छे नहीं लगते। चलो नीचे चल के कुछ काम देते। आइए जिया के पास ही चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं आज के इस सीन के बारे में। कुछ कीमती ही गुमाए, बट अब मैं अगर आपको बता दूंगी तो उसका सारा जो फन है वो चला जाएगा। पर हाँ, कोई ऐसी चीज़ उनके लिए बहुत कीमती है और वो गुम गई है, तो अब उन्हें मिल नहीं रहा, तो परेशान हो रही है, तो उन्हें सारा घर सर पे उठा लिया। इसलिए हम जैसे बुआ जी अब आई हैं घर में, मेहमान हैं हमारी, तो उनको कोई भी तकलीफ होगी तो पूरा घर ऑब्वियसली ख्याल रखेगा या उनको कंफर्टेबल करना चाहेगा। तो इस वक्त वो थोड़ी सी परेशान है, तो सारा परिवार मिलके उनकी जो कीमती चीज़ गुमी है उसे ढूंढने में लगा हुआ है। जया, आज तो बुआ जी ने हद ही कर दी, बेवजह नौकर पर इल्जाम लगा दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? वो हर जगह होता है कि जब आपके घर में कोई भी चीज घूमती है तो आप सबसे पहले अपने नौकरों पे ही शक करते हो। अब कभी कभी सही भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। एंड आई थिंक कोई भी चीज के नतीजे पे पहुंचने से पहले उसे परख लेना चाहिए और फिर ही कुछ करना चाहिए। और तो वही यहाँ पे हुआ, उन्होंने आई थिंक फ्लो में अपने स्ट्रेस में बोल दिया एंड रियलाइज नहीं किया कि शायद गलती है भी या नहीं। खैर किसी तरह आज तो जया ने घर के हालातों को संभाल लिया, लेकिन घर में एंट्री होते ही बुआ जी ने शुरू कर दी है एक के बाद एक नई खुराफाते। ऐसे में देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा कि बुआ जी आगे आगे समर के परिवार के लिए क्या क्या मुसीबतें खड़ी करती हैं। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24।